पवारांनी एक नैतिकतेचा आधार घेतला. ते म्हणाले, अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना, वित्तमंत्री असताना कधीच आमच्या आमदारांना निधी दिला नाही, आमच्या योजनांसाठी पैसे दिले नाही, आणि असा नैतिकतेचा आधार घेऊन ते बाहेर पडले. 2 जुलैला अजितदादा त्या सरकारमध्ये सामील झाले. त्याच्यामुळे शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वामध्ये असणाऱ्या आमदारांना आता महाराष्ट्रामध्ये जाण्यासाठी तोंड नाही, की ज्या मुद्द्याचा आधार घेऊन शिंदेसाहेबांनी बंड केला, त्यांच्या आमदारांनी बंड केला, शिवसेना सोडली, आता अजितदादांना त्या पक्षामध्ये त्या सरकारमध्ये सामील केल्यानंतर नेमका कुठला मुद्दा घेऊन आम्ही जनतेसमोर जाणार, हा प्रश्न भारत शेठ गोगोले असतील किंवा इतर शिरसाट असतील किंवा शिंदेसाहेबांचे बाकीचे जे आमदार असतील ह्या सर्वांना पडलेलं आहे. तिथे मंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू झालेली आहे, तिथे पालकमंत्रीपदावरून रस्सीखेच सुरू झाली, आणि ज्या लोकांनी जुनं सरकार पाडलं ते आता बाजूलाच राहिले, आणि नव्याने जे सामील झाले ते महत्त्वाची खाती जर घेत असतील तर त्याच्या संदर्भातली स्वाभाविक नाराजगी शिंदेसाहेबांना समर्थन देणाऱ्या आमदारांमध्ये आहे. देर रात्री अजितदादा दिल्लीला जाते, आपल्याला कसा वाटतो तो दिल्लीला गेला? महाराष्ट्राचे एक अतिशय प्रभावी, कर्तव्यगार, दमदार नेते असे अजितदादा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये काम करताना त्यांची तशी छवी होती, आणि दादांच्या दालनाच्या बाहेर शेकडोच्या तादामध्ये लोक बसलेले असायचे त्यांच्याकडनं काम करून घेण्यासाठी, त्यांची भेट घेण्यासाठी, त्यांना निवेदन देण्यासाठी. परंतु त्याच आमच्या अजितदादांना दिल्ली दरबारी जावं लागतं, इतर काही नाही परंतु स्वतःच्या साठी देखील खातं मागण्यासाठी त्यांना जावं लागतं, की मला तर फार मोठी शोकांतिका आहे, आणि असं व्हायला नव्हतं पाहिजे होतं. राष्ट्रवादी परिवार एकसंग राहिलेला परिवार आहे, आणि ह्या परिवारावर दादा अतिशय महत्त्वपूर्ण, आमच्या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ती आहेत. आम्हाला, आम्ही तर त्यांना आमचा स्वतःचा मोठा भाऊ असं दादांना समजवतो. आणि ही ज्या काही घडामोडी झाल्या हे निश्चितच ऑपरेशन लोटसच्या अंतर्गत सगळ्या झालेल्या घडामोडी आहेत. भारतीय जनता पार्टीने शिवसेना फोडली, शिंदेसाहेबांना बाजूला केलं, त्यांच्यासोबत 40 आमदार आले, 50 आमदार आले, आणि हे देखील जवळपास वर्षभर मंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत. आता मंत्रिपदाची जी प्रतीक्षा आहे ती 1 वर्ष झाली. आता नव्याने राष्ट्रवादीची 9 आमदारांनी त्याच्यामध्ये शपथ घेतली, आणि 9 आमदारांनी शपथ घेतल्यानंतर तिकडे भारतीय जनता पार्टीचे 105 आमदार, शिवसेनेचे 50 आमदार, आणि राष्ट्रवादीचे 9 आमदार, ह्याच्यामध्ये आता रस्सीखेच सुरू झालेली, की नेमकं कोणाला किती मंत्रिपद द्यायची आणि कोणाला कुठलं खातं द्यायचं. दादांना जे अपेक्षित खातं आहे जे मिळायला पाहिजे, त्यांचं कर्तृत्व आहे, त्यांचं नेतृत्व आहे, त्यांच्यामध्ये ती कार्यक्षमता आहे, परंतु तो खातं देण्याच्या संदर्भामध्ये शिंदे गटाचा विरोध आहे, भारतीय जनता पार्टीच्या काही लोकांचा विरोध आहे. आणि मला असं वाटतं की 1 वर्षापासून सरकारचा फक्त आमदार कल्याणकारी योजना एवढाच कार्यक्रम सरकारचा चालू आहे, दुसऱ्या कुठल्याही कार्यक्रमावर शिंदे सरकारचं लक्ष नाही, जनतेचे लक्ष दिसत नाही. आता पूर परिस्थिती उत्तर भारतामध्ये निर्माण झालेली आहे, महाराष्ट्रातील पाऊस वेगाने पडलेला आहे, महाराष्ट्रात परत काय होतं हे देखील पाहिलं गेलं पाहिजे. शेतकरी असेल, टमॅटोच्या संदर्भातला नवीन प्रश्न निर्माण झालेला आहे, त्याची महागाई निर्माण झालेली आहे, एकीकडे कांद्याचा भाव मागे आपण उसरलेला पाहिला, ह्या सर्व गोष्टींवर सरकार पूर्णपणे अपयशी झाल्याचं आपल्याला चित्र दिसते. कोयता गँग एवढी सक्रिय झाली, म्हणजे गृह मंत्रालय केंद्रातलं भाजपकडे, राज्यातलं भाजपकडे, तरी देखील कोयता घेऊन सरेआम लोकांच्या मागे, मुलामुलींच्या मागे जाण्याचं धाडसच नेमकं कसं होतं, या सगळ्या प्रश्नांमुळे जनता पूर्णपणे नाराज झालेली आहे. जनतेला कळून चुकलेलं आहे की हे भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदेसाहेबांची सरकार हे पूर्णपणे आमदारांच्यासाठीच काम करत आहे, जनतेच्या प्रश्नांचा त्यांना पूर्णपणे विसर पडलेला आहे. देखिए, शिंदे गुटके 40 विधायक बागी बनके शिंदेसाहेब के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा मिले, तब से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो एक ही काम चल रहा है, विधायकों को मनाना, विधायकों के अगर उनका कोई किसी प्रकार का नाराज़गी है उसे दूर करना और उन्हें लॉलीपॉप देना, यही पिछले 7 वर्ष से चल रहा है. तो देश की जनता, राज्य की जनता, किसान, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इनके प्रति सरकार ने पिछले साल में क्या किया वो तो सरकार बता ही नहीं पा रही, लेकिन जहाँ देखो वहाँ पर विधायक सरकार को ब्लैकमेल किए हुए हैं. और अब जो मैं पढ़ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि बच्चू कड़ू जी ने कहा कि मैं सरकार से बाहर निकलूँगा, कल भरत गोगावले एक ने कहा कि एक महिला से ज़्यादा पुरुष अच्छा काम कर सकता है, तो एक मनुवादी संस्कृति भी इनके विचारधारा में नज़र आती है. और वहाँ पे भी गुट बन चुका है कि NCP के विधायकों को मंत्री बनाने के बाद वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में नाराज़गी शिंदे गुट के विधायकों में नज़र आ रही है. भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक होने के बावजूद सिर्फ 10 मंत्री हैं उनके, तो कहीं ना कहीं ये सरकार चलाना उनके लिए दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहा है.
और एक समय आएगा कि अपने ही वजन से ये सरकार गिर जाएगी, कुछ खपत नहीं जाएगी जी। बड़ा खेद होता है हमें कि दादा अजीत दादा जो हमारे एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उनकी पावर महाराष्ट्र में चलती थी, आज खुद का ही पोर्टफोलियो एलोकेशन करवाने के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, देर रात जाना पड़ता है, देश के गृहमंत्री जी के सामने बैठना पड़ता है और खाली हाथ आना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को नहीं लगा था कि एनसीपी जिस प्रकार से एनसीपी लगातार विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और शिंदे सरकार का, किसी को नहीं लगा था कि एनसीपी के 9 विधायक जाके भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की सरकार में शामिल होंगे। लेकिन आज आप देखिए, आज 13 तारीख है, 2 तारीख को शपथ विधि हुआ, 11 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 11 दिनों में अब तक जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और पिछले साल से अगर हम देखेंगे तो लगभग 43 मंत्रियों की जगह महाराष्ट्र विधिमंडल में होती है और सिर्फ 20 ही मंत्री, मतलब शिंदे साहब के 10 और फडणवीस साहब के 10, ऐसे 20 मंत्री थे, उनके भी मंत्रियों का एक साल हो गया अभी तक नहीं है। और अभी जो खबरें आ रही हैं कि शायद मंत्रिमंडल का विस्तार मानसून सत्र के बाद होगा। वास्तविक मैंने कल भी कहा था कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से जनता के प्रश्नों के प्रति उदासीन है, इनको सिर्फ विधायकों के प्रश्न दिख रहे हैं और विधायक कल्याणकारी योजना एकमेव योजना महाराष्ट्र की सरकार चला रही है और इससे जनता का बहुत बड़ी जनताओं की हानि हो रही है। जो मंत्री आप भी भेजे, हम लोग भी भेजेंगे, हमारा तो इंस्टेंटली चला जाएगा। बड़ा दुख होता है, हम तो अजीत दादा के साथ लगभग 25 साल से काम करते हैं, उनका नेतृत्व, उनका कर्तव्यकारी, उनका जो एक काम करने का तरीका है बहुत करीबी से हमने देखा हुआ है और सारा निर्णय एक मिनट में टेबल पे लेने की क्षमता लेने वाला अगर कोई नेता है तो अजीत दादा पवार है। दुख होता है कि उस नेता को खुद के पोर्टफोलियो के लिए, जैसे वित्त और अर्थ खाता जिसको बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता है, बीजेपी के लोगों से, नेताओं से मिलना पड़ता है, उनसे दरख्वास्त करनी पड़ती है। दुख होता है देख के। और जो 9 लोग गए हैं उनके संदर्भ में भी जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। 17 तारीख को मानसून सत्र है, उसके बाद शायद कैबिनेट का फिर एक बार विस्तार होगा, ऐसी जानकारी आ रही है। आज होने वाली थी लेकिन रद्द हो गई है, ऐसी भी जानकारी है। और जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है उसके संदर्भ में अभी तक कोई ठोस निर्णय अभी तक सामने नहीं आया। शायद मुख्यमंत्री और अन्य दो उप मुख्यमंत्री, इनकी बैठक शायद आज होने वाली, ऐसा भी सुनने में आया। लेकिन जो भी हो, आज महाराष्ट्र की जनता पीड़ित है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को, जो किसान है उनकी तकलीफ है, उत्तर भारत में बहुत बड़े पैमाने में बाढ़ आ चुकी है, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसी परिस्थिति कुछ कुछ जगह पे निर्माण हो रही है और यहाँ पे जो कल्याणकारी काम करना चाहिए वो सरकार नहीं कर रही। पिछले साल से एक ही काम शिंदे सरकार ने अगर किया होगा तो विधायक कल्याणकारी योजना, विधायकों के कल्याण के लिए बहुत सारी मीटिंग हुई, किसी की नाराजगी दूर करने के लिए किसी को और किसी कारण से हुई। और जिस कारण से शिंदे साहब ने एक विद्रोह किया था शिवसेना में कि अजीत पवार जी उप मुख्यमंत्री महाविकास आघाड़ी के हैं, वो वित्त मंत्री हैं, वो विधायकों को पैसे नहीं देते, वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए, मतलब शिवसेना के लोगों के लिए उनके कॉन्स्टिट्युएंसी में विकास का निधि नहीं देते, जो एक नैतिकता का आधार लेके शिंदे साहब ने विद्रोह किया था, अजीत पवार जी के इस सरकार में मिलने के बाद वो नैतिकता अब किस मुंह से हम लोगों को सामने जाके बात करेंगे, ये स्वाभाविक प्रश्न शिंदे साहब के विधायकों के मन में निर्माण हो चुका है। भाजपा की अलग प्रॉब्लम है, वहाँ प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी है, 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और उसके 4 दिन के बाद हमारे ही लोगों को शपथ ग्रहण करवाया। तो भारतीय जनता पार्टी के अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे याद है चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा था कि बहुत बड़ा पत्थर हमने सीने पर रख के ये शिंदे साहब को हमने सीएम बनाया। तो अब मैं चंद्रकांत दादा से पूछना चाहूँगा कि अब तो आपने अजीत दादा को भी डीसीएम बनाया, तो अब कौन सा पत्थर रख लिया कि पहाड़ रख लिया? तो मुझे यकीन है वो पत्थर नहीं भूलेंगे, वो पहाड़ भूलेंगे, इतनी मुझे जानकारी है। देखिए, उद्धव ठाकरे साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसी समय कोरोना से पूरा देश ग्रस्त हो गया, पीड़ित हो गया। और महाराष्ट्र में क्योंकि मुंबई शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे शायद कोरोना की संदर्भ में व्यवस्था उनको करनी पड़ी, धारावी जैसे इलाके में करनी पड़ी। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम उन्होंने 2.25 साल में अपनी तकलीफ के बावजूद, अपनी बीमारी के बावजूद, अपने ऑपरेशन के बावजूद उद्धव ठाकरे साहब ने बहुत ही अच्छा काम 2.25 साल में किया।
तो एक राजनीतिक आलोचना की जाती है उस प्रकार से, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बोलते रहते हैं लेकिन उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। जहाँ तक हमारी जानकारी है, पूरे महाराष्ट्र की जनता आज दो नेताओं के साथ है, पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब। और कांग्रेस पार्टी में भी आपने देखा राहुल गांधी जी पे बहुत बड़ा प्रकार का अन्याय हुआ है, उनको भी टारगेट बार बार किया जाता है, लेकिन जो भारत जोड़ अभियान था उसके माध्यम से कांग्रेस ने जो चमत्कार कर्नाटक में करके दिखाया, मुझे लगता है महाविकास आघाड़ी मिलकर इसी प्रकार का चमत्कार महाराष्ट्र की लोकसभा में भी करेगी और विधानसभा में भी करेगी। आखिरी सवाल, बच्चू कड़ू एक स्पष्ट वक्ता इस प्रकार का नेता है, जो विकलांग है उस क्षेत्र में उनका अच्छा एक काम रह चुका है, और इसीलिए उन्होंने जो अपनी भूमिका रखी शायद इस प्रकार से रखी होगी। और किसी को एक साल भर लटका के रखना, एक साल भर किसी को मंत्री पद का लालच देना लेकिन मंत्री पद नहीं देना, मंत्री देने के बाद पोर्टफोलियो नहीं देना, इस प्रकार का जो एक खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शायद अब शिंदे सरकार के 10-20 जो प्रमुख विधायक हैं जो मंत्री पद के दावेदार थे या हैं, अब शायद मुझे लगता है वो शिंदे साहब से या शिंदे सरकार से उग चुके हैं और शायद आने वाले कुछ समय में वो एक अलग से निर्णय लेंगे, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। उद्धव ठाकरे किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोर्ट के निर्णय में हम क्या बात करें, अब ये तो पक्ष का अपना, उनको अपना रखना है, कोर्ट का निर्णय एक्सेप्ट करना है या इसको सुप्रीम कोर्ट में जाके बात करनी है, ये तो उनका परिवार या वो लोग बताता है, मैं इसमें कुछ नहीं टिप्पणी कर सकता।